how are you all and how is the preparation going for the exams? Preparation exams ke topics to sabhi ne revise kar liye honge. Now it is the time to do revision. Now how to do revision to get good marks in the exam? Now today we will discuss the topic how to get good marks in mathematics. सबसे पहले अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में सेक्शन ए बी एंड सी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए बी और सी में से सेक्शन ए में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के. क्लियर? सेक्शन 10 क्वेश्चन एंड देन 11 से 22 तक जो क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 to 10 1 मार्क्स के. देन 11 to 22 4 मार्क्स के. देन 23 to 29 6 मार्क्स के. दिस इज द पैटर्न फॉर द मैथमेटिक्स एग्जाम. नाउ मे बी दिस इज द चांस डेट द पैटर्न विल चेंज एंड वी गेट 6 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 7 to 19 दैट इज 13 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 7 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स. 6 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स 13 × 4 52 एंड 42 दैट इज 100 मार्क्स. सो मे बी दिस इज द चांस कि इस साल जो हमारा एग्जाम हो उसमें पैटर्न चेंज मिले. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. मे बी इट विल अप्लाई इन द नेक्स्ट ईयर 2017. इट इज नॉट कंफर्म टिल नाउ. देयरफॉर यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट कि अगर पैटर्न चेंज होता है तो आप उसके लिए भी रेडी हो. अब सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लेस 7 एंड द मार्क्स इज 42. सबसे पहले हमें जो प्रिपेयर करना है पार्ट इट इज सेक्शन सी. अब सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन आने हैं. उसमें एक क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से वर्ड प्रॉब्लम्स आती है. आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन कंफर्म है. एलपीपी का 1 क्वेश्चन आता है एंड प्रोबेबिलिटी में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेस थ्योरम. सो 1, 2, 3, 4, 5 2 क्वेश्चन आर टिल लेफ्ट. 1 इज ईदर ऑफ इंटीग्रेशन जो 6 मार्क्स में आ सकता है दैट इज लिमिट ऑफ सम दैट इज इंपॉर्टेंट और द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दोनों में से कोई भी आ सकता है. एंड 1 पार्ट वी हैव दिस ईयर 3D. 3D में से जो हमारा 6 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बेस पे. फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट इन 3D. नाउ अब हमें सेक्शन सी के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है और मार्क्स भी हमें सेक्शन सी में इजीली मिलेंगे अगर हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं तो. इट टेक्स मच टाइम सेक्शन सी. तो हमें सेक्शन सी को इतनी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में या आपका कम टाइम ले उसके लिए आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. 1 डे में आप अगर मैट्रिसेस और एलपीपी करते हो एलपीपी के 3 क्वेश्चन बुक में से कीजिए. 1 फॉर मैक्सिमा 1 फॉर मिनिमा एंड 1 फॉर बोथ. आफ्टर दैट पिक अप दैट 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एलपीपी फ्रॉम दैट. दैट्स इनफ फॉर एलपीपी. सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा और बोथ का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से कीजिए. आफ्टर दैट 10 ईयर लेके उसमें से एलपीपी के बेस जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए. एक क्वेश्चन आप मैट्रिसेस का 10 ईयर में से देखिए कि उसे कैसे करना है हमें. उसको सॉल्व करो उसके बाद आप एलपीपी के साथ मैट्रिसेस भी सॉल्व कर
सेक्शन सी में. आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. सबसे पहले एनसीईआरटी में से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है उसे रिवाइज कीजिए. या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा. तो दैट दीज टू टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर 6 मार्क्स. एक दिन में आप इन दोनों को प्रिपेयर करके 10 ईयर में से सेक्शन सी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कीजिए. आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको चैप्टर फुल करना पड़ेगा. इसको कंप्लीट करने के बाद आप 10 ईयर में से इसे कर सकते हैं. देन 3D का फुट ऑफ परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कीजिए बुक में से. देन अगेन सेम 10 ईयर में से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम और मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें अपनी बुक में से 1 और 2 डेज में प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह इन सभी चैप्टर्स के. आफ्टर दैट 10 ईयर लेके पूरा सेक्शन सी आप एक साथ बैठ के सॉल्व कीजिए. इट डिपेंड्स ऑन यू कि कोई एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कोई किस तरह से सॉल्व करना चाहता है, कोई किस तरह से. सो द चॉइस इज योर्स, हाउएवर यू फील कंफर्टेबल. सो दिस इज द पैटर्न टू रिवाइज सेक्शन सी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज इट कैरीज मोर मार्क्स. देयरफॉर यू हैव टू कंप्लीट दिस विद इन 7 वीक्स मैक्सिमम 7 डेज. नॉट वीक्स सॉरी, मैक्सिमम 7 डेज. सो मैक्सिमम 7 डेज में आपको इस चीज को कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी के लिए अगर आप इसको करते हो तो आपका LPP और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 2 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. अगर आपने डिफिकल्ट पार्ट जो चैप्टर्स के वो कर लिए, उसके बाद आपके लिए बाकी चैप्टर्स रिवाइज करना डेट इज नॉट अ बिग टास्क. सो अगर आप सेक्शन सी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं विद इन 7 डेज, सो दैट्स इनफ. आफ्टर दैट यू कैन गो टू सेक्शन बी एंड सेक्शन ए. सेक्शन बी से करने से पहले सबसे पहले आपको जो आपने प्रैक्टिस करनी थी रिटर्न में, दैट यू हैव ऑलरेडी डन. नाउ यू विल हैव टू डू ओनली रिवीजन. सो फॉर रिवीजन आप क्या कीजिए, सबसे पहले सभी फॉर्मूलाज, ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूलाज जहां भी आपने एक जगह पे एक नोटबुक में नोट किए हैं उसमें से उसको रोज रिवाइज कीजिए. रिवाइज करने के बाद स्टार्ट डूइंग सेक्शन बी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं 10 ईयर लेके, उसमें से सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कीजिए. आफ्टर दैट सेक्शन ए. सो दिस इज द प्रोसीजर. सबसे पहले सेक्शन सी, और एग्जाम में भी आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है डेट इज सेक्शन सी. इट विल टेक टाइम, बट डोंट वरी अबाउट द टाइम कि हमारा टाइम तो इतना निकल गया लेकिन क्वेश्चंस अभी भी बहुत कम हुए हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से ही अपनी स्पीड बढ़ानी है. ये नहीं कि आप शुरू में धीरे धीरे कर रहे हो और लास्ट में देखा जी वो टाइम तो 1 आवर रह गया तो अब हमारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा पड़े तो हम क्या करें. तो उसमें घबराने की बजाय शुरू से ही आप स्पीड को तेज करके चलिए. अगर आपका सेक्शन सी अच्छे से प्रिपेयर होगा तो इन एग्जाम इट विल टेक लेस टाइम देन यूजुअल. ओके, और अगर आपके लेंथी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और आपको अच्छी तरह से आते हैं देन इट विल टेक लेस टाइम और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. और मार्क्स पूरे होने के लिए मैथ्स में आपको हर एक स्टेप लिखना है. एवरी स्टेप, सिंगल स्टेप हैज अ नंबर इन मैथमेटिक्स. कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए. व्हाई? क्योंकि एवरी सिंगल स्टेप हैज मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो आपको हर स्टेप लिखना है. कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको छोड़ना है. नंबर टू, हर रोज आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं. फॉर्मूलाज रिवीजन इज मस्ट बिफोर द एग्जाम भी और हर रोज. अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है लेकिन उसका फॉर्मूला ही आपको याद नहीं है देन हाउ कैन यू सॉल्व दैट. सो फॉर्मूलाज आर मस्ट. फॉर्मूलाज आपको हर रोज रिवाइज करने हैं. आफ्टर दैट
रिवीजन के लिए एनसीईआरटी आपने अच्छी तरह कर ली, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, एक तो आपको आइडिया होगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ पेपर सॉल्व करने के बाद एक दो पेपर्स आप बिल्कुल छोड़ दीजिए करने के लिए, उसको लास्ट में ओनली 3 आवर्स में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन सी सॉल्व करो प्रीवियस ईयर पेपर में से, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन ए, बट लीव एनी 2 पेपर्स व्हिचएवर यू वांट, एंड आफ्टर डूइंग ऑल द प्रैक्टिस इन 1 डे डू 1 पेपर विद इन 3 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, so that you can check your speed and in how much time you will complete that. So previous year question paper ko particular time mein solve karne ki koshish kijiye. Aur paper mein avoid silly mistakes. Speed aapki shuru se hi zyada honi chahiye taki paper chhoote na. Paper may be lengthy or may not, but if your speed is good, then you will definitely complete the paper. और while revising, you should have concentrate on your topics. Keep a separate notebook for your revision, revise of formulas, study basic concept and give extra attention to that topic which you feel is weaker for you. Which topic you feel is weak, then practice for that now and practice for that which has higher weightage. पेपर में जिस चीज की वेटेज ज्यादा है जिस चैप्टर की, उसको आप पेपर के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन से रिवाइज कीजिए। सो अगर हम वेटेज की बात करें, वेटेज में रिलेशन और फंक्शन जो है, दैट इज फॉर 10 मार्क्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आता है सेट्स एंड रिलेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन अलजेब्रा में आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इट हैज 13 मार्क्स, दैट इज मैट्रिसेस विल कम फॉर 8 मार्क्स एंड डिटरमिनेंट फॉर 5। कैलकुलस इज मैक्सिमम ऑफ 44 मार्क्स। कैलकुलस में क्या आ गया, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, इंटीग्रेशन 12, डिफरेंशियल इक्वेशन 8, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 10, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 8 मार्क्स। नेक्स्ट आता है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D, इसमें से ओनली 3D चैप्टर 11 मार्क्स का आता है और वेक्टर्स 6 का। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर विच चैप्टर्स फर्स्ट। नंबर 1 इंटीग्रेशन, अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाता है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके जल्दी से कवर अप हो जाएंगे। ये 3 चैप्टर होने के बाद आपको करना है वेक्टर एंड 3D। अभी मैंने बताया जो सेक्शन सी के आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे तो बाकी चैप्टर इजिली हो जाएगा। देन LPP एंड प्रोबेबिलिटी, सेकेंड बुक को कंप्लीट करने के बाद आप फर्स्ट बुक कीजिए, क्योंकि सेकेंड बुक इज डिफिकल्ट पार्ट और सेकेंड बुक में मार्क्स भी सेकेंड बुक के ज्यादा है कंपैरेटिवली टू फर्स्ट बुक। नाउ आफ्टर दैट LPP 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा एंड प्रोबेबिलिटी विल कम फॉर 10 मार्क्स। सो यू विल हैव टू रिवाइज मैथमेटिक्स नाउ फॉर फर्स्ट सेक्शन सी, then for section B and then for section A. Exam में भी आपको section C पहले करना है, अगर आपका section C अच्छे से prepare होगा then it will definitely take less time and you will concentrate on section B and A. then after that section B के लिए first आप section C को finish कीजिए, after that for section B and section A. Practice आपको जितनी करनी थी कर चुके, now these are the days for only revision. Because not only the mathematics, you have other subjects also which you have to revise. So mathematics will take time for revision because you will have to write each and every question. Do not do like that ki book kholi ya copy kholi aur question ha ye bhi ho gaya ye bhi ho gaya. This is not the way to read mathematics. If you want to really do mathematics and really want to
get good marks, then you will have to practice in written. Each and every question should be in written. Whenever you get time, start writing, start solving questions. Only then you will get good marks in the mathematics. It is the only way to get good marks in mathematics, that is practice in written. If you will not practice like that, then you cannot get good marks in mathematics. So be confident. Agar paper mein aapke paas thoda sa time bach jaye, then you can do revision of all the exam what you have done. Or please avoid silly mistakes. Jab aap question koi bhi kar rahe ho to usko full concentration ke saath kare. Mind aapka idhar udhar hoga, then you cannot solve mathematics questions. Your mind is only on your exam ki I have to do, then only you can avoid silly mistakes. So be confident and all the very best for all of your exams. Best.